दोस्तों, 2023 के फोर्ब्स की भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में तीन नए चेहरे हैं, जिनमें से एक है कपड़ा और चीनी निर्माता केपीआर मिल के संस्थापक और अध्यक्ष 74 वर्षीय केपी रामास्वामी। उन्होंने 9,143 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सूची में 100वां स्थान हासिल किया है। केपी रामास्वामी एक किसान के बेटे और कॉलेज ड्रॉप आउट है। उन्होंने भारत के सबसे बड़े परिधान निर्यात उद्यमों में से एक की स्थापना करके यह सफलता हासिल की है। केपीआर मिल की स्थापना 1984 में हुई थी। 2013 में केपी रामास्वामी ने अपने व्यापार पोर्टफोलियो का विस्तार किया और चीनी उत्पादन में विविधता लाई। उनकी उद्यमशीलता यात्रा में 2019 में पुरुषों के इनरवियर ब्रांड फासो का लॉन्च भी शामिल है। केपीआर मिल अपने चीनी और इथेनॉल विनिर्माण प्रयासों के अलावा बुना हुआ परिधान, कपास और पॉलिएस्टर यार्न के उत्पादन में माहिर है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार केपीआर मिल्स का वार्षिक उत्पादन 128 मिलियन कपड़ों का है। इन कपड़ों में स्पोर्ट्सवियर और स्लीपवियर समेत एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है और H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर और वॉलमार्ट जैसे वैश्विक खुदरा दिग्गजों की अलमारियों में अपना रास्ता तलाशते हैं। रामास्वामी और उनके दो भाइयों द्वारा संचालित कंपनी में 30,000 लोग कार्यरत हैं, जिनमें से 90% महिलाएं हैं। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार केपी रामास्वामी ने केपीआर चैरिटीज नामक सार्वजनिक ट्रस्ट की स्थापना की, जो अपने शैक्षणिक संस्थान के .PR इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। केपीआर मिल वेबसाइट में कहा गया है कि रामास्वामी ने हरित ऊर्जा के स्रोत के लिए तमिलनाडु में कई पवन चक्कियां स्थापित भी की हैं। फोर्ब्स की भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में अन्य नए नामों में एशियन पेंट्स चलाने वाली दानी फैमिली भी शामिल है। उनकी कुल संपत्ति 67,841.77 करोड़ रुपए है। शीर्ष तीन रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी $92 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी $68 बिलियन की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है और HCL के संस्थापक शिव नादर तीसरे स्थान पर है, $29.3 बिलियन की कुल संपत्ति। आपका इनके बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।